पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय तटरक्षक दिवस कब मनाया गया है? तो अभी भारतीय तटरक्षक दिवस यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड डे, ये 1 फरवरी को मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। एक्चुअल में जो इंडियन कोस्ट गार्ड है, इसकी स्थापना 1 फरवरी 1977 को हुई थी। अच्छा, इसकी स्थापना हुई क्यों थी, जब हमारे पास ऑलरेडी इंडियन नेवी है, फिर इंडियन कोस्ट गार्ड की स्थापना क्यों हुई? तो जो समुद्री माल होता है उसकी तस्करी को रोकने के लिए इंडियन कोस्ट गार्ड की स्थापना की गई थी। स्पेशली जो समुद्री माल होता है जिसका इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है उसकी तस्करी को रोकने के लिए इंडियन कोस्ट गार्ड की स्थापना 1 फरवरी 1977 को की गई थी। इसीलिए हर साल 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक दिवस मनाया जाता है। इस बार कौन से नंबर का भारतीय तटरक्षक दिवस मनाया गया है? तो इस बार 45वें नंबर का भारतीय तटरक्षक दिवस मनाया गया। अच्छा, आज के इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको भी बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में स्पर्श कुष्ठ जागरूकता अभियान की शुरुआत किस राज्य सरकार ने की है? तो अभी कुष्ठ के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए स्पर्श कुष्ठ जागरूकता अभियान की शुरुआत की है कर्नाटक गवर्नमेंट ने। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब कर्नाटक ने की, तो ये है मैप में कर्नाटक। कर्नाटक की कैपिटल क्या है? बेंगलोर। कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर कौन है? बे एस येदुरप्पा। और कर्नाटक के गवर्नर कौन है? बज्जू भाई बाला। अच्छा, अभी विश्व कुष्ठ दिवस मनाया गया था, कब मनाया गया था? 31 जनवरी को। और अब ये स्पर्श कुष्ठ जागरूकता अभियान की शुरुआत कर्नाटक ने कर दी है। कर्नाटक में भी नेकारा सम्मान योजना शुरू हुई थी। एप्तमित्रा ऐप और मेक संदेश ऐप कर्नाटक में लॉन्च हुआ। कोरोना वॉच नाम का ऐप भी कर्नाटक में लॉन्च हुआ। कर्नाटक में कृष्णा नदी पर अलमाटी बांध है और कृष्ण राज सागर बांध है कावेरी नदी पर। अभी कर्नाटक में स्केल कनेक्ट फोरम की स्थापना हुई। बुखार क्लिनिक की शुरुआत भी कर्नाटक में हुई थी। 18 जून को कर्नाटक में मास्क दिवस मनाया गया था। कर्नाटक के दो डांस मैं आपको हमेशा बताता हूँ, एक है यक्षगण और एक है डोलू कुनीता। और कर्नाटक के कौन कौन से नेशनल पार्क इंपोर्टेंट है? बांदीपुर, अंसी, नगरहोल, बनरकट्टा और कुद्रेमुखा नेशनल पार्क। कौन कौन से? बांदीपुर, अंसी, नगरहोल, बनरकट्टा और कुद्रेमुखा नेशनल पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत अंतर्राष्ट्रीय रेशम मेला के 8वें संस्करण का उद्घाटन किसने किया है? तो अभी इंडियन इंटरनेशनल सिल्क फेस्टिवल, इसके 8वें संस्करण का उद्घाटन किया है केंद्रीय वस्त्र मंत्री स्मृति ईरानी ने। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ये भारत अंतर्राष्ट्रीय रेशम मेला, भारत का सबसे बड़ा रेशम मेला होता है और इस बार आभासी रूप से इसको आयोजित किया जा रहा है। ये 5 दिनों तक चलेगा और केंद्रीय वस्त्र मंत्री स्मृति ईरानी ने इसका उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आईएएस अधिकारी राजीव रंजन को किस राज्य का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया? तो राजीव रंजन, इनको अभी तमिलनाडु का नया मुख्य सचिव अपॉइंट किया गया। तो इस क्वेश्चन का से ऑप्शन सही है। ये हैं आईएएस अधिकारी राजीव रंजन और ये तमिलनाडु के नए मुख्य सचिव बने हैं। तो ये है मैप में तमिलनाडु। तमिलनाडु की कैपिटल क्या है? चेन्नई। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर कौन है? एडापड्डी के पलानीस्वामी। और तमिलनाडु की गवर्नर कौन है? बनवारी लाल पुरोहित। अच्छा, हल्दी अनुसंधान संस्थान की स्थापना अभी तमिलनाडु में की जाएगी। अंग दान के मामले में तमिलनाडु भारत में शीर्ष पर रहा था, टॉप पर रहा था। आरबीआई की एक रिपोर्ट आई थी, इसके अकॉर्डिंग बाजार कर्ज के मामले में टॉप पर है तमिलनाडु। कोविड संदिग्ध वार्ड शुरू किए गए तमिलनाडु में। और सबसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि मछली के उत्पादन में अब तमिलनाडु टॉप पर है। पहले गुजरात टॉप पे था, लेकिन गुजरात को पीछे छोड़कर मछली के उत्पादन में अब तमिलनाडु टॉप पे पहुंच गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हिल्टन वैलेंटाइन का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो हिल्टन वैलेंटाइन, ये एक गिटारिस्ट थे और अभी इनका निधन हो गया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। पॉप सिंगिंग में ये एक फेमस गिटारिस्ट थे, हिल्टन वैलेंटाइन, और अभी इनका निधन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने एंटी डोपिंग रेफरेंस मटेरियल लॉन्च किया है? तो हमारे केंद्रीय युवा मामलों के मंत्री हैं किरण रिजिजू, इन्होंने अभी एक एंटी डोपिंग रेफरेंस मटेरियल लॉन्च किया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। और वाडा, WADA, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी ने भी इसको परमिशन दे दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ F-15EX फाइटर जेट पर चर्चा शुरू की है?
अभी अपने देश भारत ने अमेरिका के साथ F-15AX फाइटर जेट पर चर्चा शुरू की। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। जो इंडियन एयरफोर्स है उसने अमेरिका की एयरफोर्स के साथ ये F-15AX फाइटर जेट पर चर्चा शुरू कर दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दिल्ली हाट में एक राष्ट्रीय जनजाति महोत्सव का उद्घाटन किसने किया है? तो हमारे उपराष्ट्रपति हैं एम वेंकैया नायडू। इन्होंने अभी दिल्ली हाट में एक राष्ट्रीय जनजाति महोत्सव का उद्घाटन किया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। इसमें आदिवासी कला, शिल्प, चिकित्सा, भोजन और जो आदिवासियों की अलग अलग तरह की आर्ट्स होती हैं उनको प्रदर्शित किया जाएगा। तो दिल्ली हाट में एक राष्ट्रीय जनजाति महोत्सव का उद्घाटन उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आरबीआई ने किस राज्य में स्थित शिवम सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द किया है? तो अभी आरबीआई ने महाराष्ट्र में स्थित शिवम सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। महाराष्ट्र में ये जो शिवम सहकारी बैंक है ना, तो इसके पास एडिक्वेट कैपिटल है, सफिशियंट अमाउंट नहीं है इसके पास, और ना ही फ्यूचर में इसके पास कोई भी कमाई की संभावना है, इसीलिए आरबीआई ने इसके लाइसेंस को रद्द किया है। अब आरबीआई ने किया तो आरबीआई की स्थापना कब हुई? 1 अप्रैल 1935 को। आरबीआई का हेडक्वार्टर कहां पे है? मुंबई में। और आरबीआई के प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। अच्छा, शक्तिकांत दास कौन से नंबर के आरबीआई के गवर्नर है? तो ये आरबीआई के 25वें नंबर के गवर्नर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने 1 साल के आपातकाल की घोषणा की है? तो अभी म्यांमार ने 1 साल के आपातकाल की घोषणा कर दी। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। एक्चुअल में अभी नवंबर 2020 में म्यांमार में राष्ट्रपति के चुनाव हुए थे और इसमें बहुत सारी धांधली हुई, इसी वजह से म्यांमार में अब 1 साल के लिए राष्ट्रीय आपातकाल लगा दिया गया है। और जो म्यांमार के उपराष्ट्रपति थे माउंट सुए, उनको कार्यवाहक राष्ट्रपति बना दिया गया है। अब म्यांमार की बात है तो ये है मैप में म्यांमार। म्यांमार की कैपिटल क्या है? नेपिडो। म्यांमार की करेंसी क्या है? बर्मिस क्याट। एक्चुअल में म्यांमार का पहले नाम बर्मा था, इसलिए इसकी कैपिटल क्या है? बर्मिस क्याट। और अब म्यांमार के नए राष्ट्रपति तो उपराष्ट्रपति माउंट स्वे बनाए गए हैं, लेकिन ये कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आजादी के बाद पहला पेपरलेस बजट किसने पेश किया है? ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आपको अभी ये बहुत इजी क्वेश्चन लग रहा होगा, लेकिन ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आजादी के बाद पहला पेपरलेस बजट पेश किया है हमारी प्रेजेंट टाइम की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। इस बार जो ये बजट पेश किया गया है ये पूरी तरह से पेपरलेस है, मेड इन इंडिया टैबलेट के थ्रू इसको लॉन्च किया गया, और केंद्रीय बजट मोबाइल ऐप भी लॉन्च की गई। और जो केंद्रीय बजट मोबाइल ऐप लॉन्च की गई है उस पर आप पूरे के पूरे बजट को पढ़ सकते हो, लेकिन इस बार का बजट पेपरलेस था। अच्छा, बजट से कम्पिटेटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उनके बारे में अलग से एक ऑडियो बनाया गया है, उस ऑडियो को आप सुन सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन में फैक्ट स्टडी ऑडियो के नाम से एक लिंक दिया हुआ है, फैक्ट स्टडी ऑडियो, उस लिंक पर क्लिक करके आप पूरा का पूरा बजट से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं सारे क्वेश्चन के बारे में जो ऑडियो बनाया गया है उसको सुन सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सरकार ने बीमा में एफडीआई की सीमा को 49% से बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो अभी सरकार ने बीमा में एफडीआई की सीमा को 49% से बढ़ाकर 74% कर दिया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। एफडीआई यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जो विदेशी कंपनियां भारत में आके इन्वेस्ट करती हैं उसको हम एफडीआई कहते हैं। एक्चुअल में होता क्या है, विदेशी कंपनियां अपने पास कैपिटल लेके आते हैं और यहाँ पे इन्वेस्ट करती हैं, यहाँ पे बिजनेस करती हैं और यहाँ से प्रॉफिट कमा के अपने पास ले जाते हैं, लेकिन जो कैपिटल वो लेके आते हैं उसे हम एफडीआई कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आयुष्मान भारत योजना के नए सीईओ कौन बने हैं? तो अभी आरएस शर्मा आयुष्मान भारत योजना के नए सीईओ बन गए। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, ये हैं आरएस शर्मा और यही आयुष्मान भारत योजना के नए सीईओ बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत में राष्ट्रीय पोलियो प्रतिरक्षण कार्यक्रम की शुरुआत किसने की है? तो हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भारत में राष्ट्रीय पोलियो प्रतिरक्षण कार्यक्रम की शुरुआत की। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। पहले ये 17 जनवरी को शुरू होना था, लेकिन COVID-19 वैक्सीनेशन की वजह से इसको उस टाइम स्थगित कर दिया गया और अब राष्ट्रीय पोलियो प्रतिरक्षण कार्यक्रम की शुरुआत 31 जनवरी को हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने की है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यूपी रेल से सैनिटाइज की जाने वाली पहली मेट्रो सेवा कौन बनी है? तो अभी लखनऊ मेट्रो यूपी रेल यानी कि अल्ट्रा वायलेट रेल से सैनिटाइज की जाने वाली भारत की पहली मेट्रो सेवा बन गई है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। एक्चुअल में जो लखनऊ मेट्रो है उसने अल्ट्रा वायलेट रेज से अपने कोच को सैनिटाइज करना शुरू कर दिया है। इसके लिए अलग से उपकरण खरीदे हैं लखनऊ मेट्रो ने, और ये जो उपकरण खरीदे हैं इनसे लखनऊ मेट्रो के जो कोचेज हैं उनको सैनिटाइज किया जा रहा है। तो अल्ट्रा वायलेट रेज से सैनिटाइज होने वाली भारत की पहली मेट्रो बनी है लखनऊ मेट्रो। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में किस देश का माउंट मेरापी ज्वालामुखी फटा है? तो माउंट मेरापी ज्वालामुखी ये इंडोनेशिया में है और अभी ये फट गया है। तो इस क्वेश्चन का से ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट्स के बारे में डिटेल में लिखा, मैं आपको एक बार फिर बोलूंगा क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज्यादा से ज्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीजें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। क्वेश्चन है, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के पर्यटकों का सबसे पसंदीदा शहर कौन बना है? चार ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से